अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लासल ज़िया। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रो आपने पढ़ा होगा, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। स्कोप मीन टू सी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में ह्यूमन आई जो होती है वो 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी चीज़ को नहीं देख सकती, इससे ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं देख सकती एक ह्यूमन आई। तो पहले के जो लोग थे वो समझते थे, उनको जो मतलब बीमारियां होती थी वायरस की वजह से, या रैशेज वगैरह होते थे, या फिर पिंपल्स वगैरह, या फिर दूसरे चिकन पॉक्स निकलते थे, तो वो समझते थे कि ये डेमन्स का काम है, घोस्ट का काम है, इवल्स का काम है, मतलब शैतानों का और जिन्नात का, चुड़ैलों का काम है ये। लेकिन दो साइंटिस्ट थे, उन्हों का ये मानना था कि ये ऐसी चीज़ों का काम नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ का काम है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। फिर 1950 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, ज़ेकेरियस जेंसन, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप तो नहीं कहेंगे, एक ट्यूब लाइक इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, एक मतलब सिंपल सा, ये देख सकते हैं आप, ये ट्यूब लाइक इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, इन्होंने ट्यूब लाइक एक माइक्रोस्कोप बनाया। इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, इन्होंने मतलब यहाँ पर भी लेंस लगाया और यहाँ पर भी लेंस लगाया। यहाँ पर लेंस लगाने के बाद इन्होंने इस जो ये जो ट्यूब लाइक एक माइक्रोस्कोप है, इसे आज के ज़माने के अंदर, टुडेज वर्ल्ड के अंदर हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, आज के ज़माने में इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसके जो मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर थी वो 3x से 3x to 9x थी। अब आप लोग बोलेंगे ये 3x और 9x क्या है, मैं आपको अब बताती हूँ रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन क्या है। माइक्रोस्कोप के अंदर दो टूल्स होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ मैग्नीफिकेशन क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। जल्दी से आप ये राइट डाउन कर लें। हम लोग आते हैं कि मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि एक हमारे पास जो इमेज होती है वो कितनी बड़ी दिख सकती है, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है, कि वो कितनी क्लियर इमेज दिख सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने मोबाइल्स के अंदर देखा होगा, आप अपनी पिक लेते हैं, पिक लेने के बाद आप अपनी पिक को ज़ूम करते हैं, आप जितना उसे ज़ूम करते जाते हैं उसके जो पिक्सल्स होते हैं ना वो टूटते जाते हैं, आप लोगों की जो पिक होती है वो ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है। वो क्यों, रेजोल्यूशन की वजह से। अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन मतलब लेंस है, लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन मतलब उसको बड़ा करने की जो सलाहियत है, उसके पास पावर है बड़ा करने की, उसे और ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे तो उसकी जो रेजोल्यूशन होगी, उसकी जो क्लियरिटी होगी, वो जितना मतलब उसे साफ़ करके उसे दिखा रहा होगा, क्लियर इमेज दिखा रहा होगा, वो ख़त्म कम होती जाएगी। तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन भी अच्छी नहीं होती, कम मैग्नीफिकेशन होगी तो अच्छी रेजोल्यूशन होगी, अगर अच्छी रेजोल्यूशन होगी तो अच्छी मैग्नीफिकेशन होगी। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, और रेजोल्यूशन उसको क्लियर दिखाना, साफ दिखाना, ब्लर नहीं दिखाना।
तो ऐसे ही अब आप लोग बोले एक्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने यही लिखा था कि थ्री जो में जेखेरियस जेंस का जो जो इन्होंने ट्यूबलाइट वो बनाया था माइक्रोस्कोप, उसकी जो मैग्निफिकेशन थी 3x to 9x थी। एक्स का मतलब होता है टाइम्स लार्जर कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी दफ़ा बड़ा कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इससे भी बड़ा बड़ा कर सकता है। मतलब ये 3 से 9 दफ़ा, ये 3 टाइम बड़ा है तो इससे 9 दफ़ा, इतनी 9 दफ़ा इससे पहले ये छोटा बनाएगा, फिर इससे बड़ा 9 दफ़ा जो है बड़ा करके बना सकता है। इसे कहते हैं टाइम्स लार्जर, इतनी दफ़ा बड़ा करके दिखा सकता है। जो जेकेरियस जेम्स ने अपना जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो थी 3x to 9x थी। मतलब ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता था कि मतलब जिसे हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट को बस थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया था। फॉर एग्जांपल ग्लासेस जो हमारे होते हैं, ग्लासेस चश्मे जो होते हैं उनके लेंस आप देख लो, वही लेंस इन्होंने एक ट्यूब पे लगाए थे, तो उनके माइक्रोस्कोप को बस ऐसा कहा जाता है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि इनका जो माइक्रोस्कोप है उसे आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद गैलीलियो आए, गैलीलियो ने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया। किसने? गैलीलियो ने कब बनाया? 1610 के अंदर अपना माइक्रोस्कोप बनाया। इनका माइक्रोस्कोप भी इतना खास नहीं था, तो इनका माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका माइक्रोस्कोप इतना खास नहीं था और इनके माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी ज़्यादा जो है एक मतलब अच्छा नहीं था। उसके बाद जब ये गैलीलियो बना रहे थे तो एक और मतलब रॉबर्ट हुक ने भी अपना एक साइंटिस्ट थे, आप इतने अच्छे साइंटिस्ट थे, मतलब बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, तो रॉबर्ट हुक ने भी अपना क्या बनाया था, रॉबर्ट हुक ने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। फिर इन रॉबर्ट हुक ने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया, रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप बना के इन्होंने कॉर्क, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉर्क ली, कॉर्क के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हनी कॉम्ब लाइक उनका स्ट्रक्चर है, ऐसे कॉम्ब एक मतलब मक्खी का जो छत्ता होता है उस जैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने उसका नाम सेल्यूला रख दिया। ठीक है, सेल्यूला से क्या पड़ गया, सेल पड़ गया। तो ड्यूरिंग जब ये इस चीज़ की डिस्कवरी कर रहे थे ना, तो एक और साइंटिस्ट से बन करो, जब रॉबर्ट हुक सेलुलर की डिस्कवरी कर ही रहे थे तो इन्हीं के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, एंटोनाय, मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी कहानी। एंटोनाय वैन लेवन हुक थे। अब मैं आपकी इनको इनकी स्टोरी बनाती हूँ। इन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? माइक्रोस्कोप। इन्हों ये एक ना ही कोई साइंटिस्ट थे और ना ही ये एक कहने में प्रोफेसर या फिजिशियन, ना ही इतने पढ़े लिखे थे ये। एक अपने वालिद के साथ, अपने फादर के साथ एक शॉप पर, कपड़ों की दुकान पर बैठा करते थे। ये मतलब कपड़े का जो फाइबर होता है वो चेक करते थे कि ये किस क्वालिटी का है, इसका फाइबर कितना अच्छा है, लेंसेस के ज़रिए चेक करते थे, तो इनको लेंसेस की बहुत ज़्यादा मालूमात भी थी। जब इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप जो है लेंसेस की मदद से बन रहा है तो इन्हों को भी शौक चढ़ा, इन्होंने कहा मेरे को भी बनाना चाहिए भाई, तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। एक इन्होंने इस तरह का एक माइक्रोस्कोप बनाया, बहुत अजीबो गरीब सा था माइक्रोस्कोप। इन्होंने एक इस तरह का माइक्रोस्कोप बनाया, इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। वो जितने भी इन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की ना, वो सारी लिक्विड थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर के बाद इन्होंने बियर ली, शराब ली, शराब लेने के बाद इन्होंने जो है क्या नाम है रेन वाटर लिया, ऐसे बहुत सारी लिक्विड चीज़ें ली। इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर टिन्नी टिन्नी मतलब क्रिएचर्स हैं, ऐसे क्रिएचर्स मतलब अजीब सी मखलूक के वो घूम रही है, तो उन्होंने इन क्रिएचर्स का नाम क्या रख दिया, एनिमल क्यूल, एनिमल
क्यूज, जिसे हम आज के ज़माने में क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, जिन्हें हम आज के ज़माने में कहते हैं प्रोटोजोआ, एनिमल क्यूल्स को इन्होंने आज के ज़माने में हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, इन्होंने एनिमल क्यूल रखा। ये डच के रहने वाले थे और इन्हें डच ही की ज़ुबान आती थी, डैनिश थे। तो इन्होंने, इनके जो एक फ्रेंड थे, लोगों ने इनकी डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा ये कौन सी आप मतलब एनिमल क्यूल्स का बता रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने इनको बहुत हौसला दिया। उन्होंने कहा कि तुम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जाओ, अपने जितने भी तुमने डिस्कवरी की है ये सारी नोट्स पर लिखो, तुम नोट्स बनाओ अपने और हम वहाँ पर चलें, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, आप जो है। उन्होंने फिर इन्होंने जो है सारे नोट्स बनाए और इन्होंने लेटर लिखा, वो भी डैनिश लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने डैनिश लैंग्वेज के अंदर जो है, डच लैंग्वेज के अंदर जो है अपना लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन गए। वो जो डच लैंग्वेज के अंदर इन्होंने लेटर लिखा था, उन्होंने के जो फ्रेंड थे, उन्होंने जो है ये मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। कि फिर उन्हों की जो डिस्कवरी थी इतनी ज़्यादा फेमस हुई, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, फिर जिसकी वजह से इन्हों को जो है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो आप लोग राइट डाउन करते जाएं। फिर बहुत सारे इनकी बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई। इन्होंने एनिमल क्यूल से, जैसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं, फिर इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाए और माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फिर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और फिर इनके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आए, उन्हों का नाम था मैक्सवेल। उन्होंने भी मतलब बहुत सारी माइक्रोस्कोप बनाए, बहुत सारे माइक्रोस्कोप बनाए, लेकिन किसी की भी डिस्कवरी इतनी अच्छी नहीं हुई। फिर नए नए माइक्रोस्कोप आते गए, होती गई, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को शुरू के तीन चार बताए हैं साइंटिस्ट के बारे में, तो इन चारों में से ये जो एंटोनी वैन लीवेनहुक थे, ये ना ही पढ़े लिखे थे और ना ही ये कोई साइंटिस्ट डिज़ायर से बातें पढ़े लिखे नहीं थे, तो साइंटिस्ट कहाँ से होंगे। तो ये ना ही साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपनी मतलब इतनी मेहनत करके, इतनी सलाहियत से इन्होंने जो है एनिमल क्यूल्स डिस्कवर, क्रिएचर डिस्कवर की और फिर इन्हें माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आने वाली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में चाहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर द वॉच।